वैसे मैं ये सोच रही थी कि इतने दिन बिना स्कूल गए कैसे रह लेंगे, पानी तो चाहिए ना। बहनों की टोली, मुझे स्कूल जाने के लिए पानी नहीं चाहिए, मुझे तो चंचल अटैक के लिए पानी चाहिए। पर होमवर्क तो नहीं करना, पर पानी चाहिए। आइडिया। क्या? लीडर, जामास, और इतने महान कलाकार के इतनी कोशिशों के बावजूद पांचाल सारी सेंटर से कुंती निवास तक पानी लाना विफल हो। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि कुंती निवास में अगली बारिश को ही पानी आएगी। कैमरामैन जीमे के साथ संवाददाता धाबिल उसोप, कुंती निवास। आपके जाने तक। देख बहू, तेरी ईमानदारी का पाठ जो है ना, हम पे बहुत भारी पड़ गया। और जिन बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाने के लिए हम ये सब सह रहे हैं ना, वो दो दिन से स्कूल नहीं गए, उसका क्या? नहीं नहीं, बस बहुत हो गया ये ईमानदारी का खेल। अब जिसे जो समझना है वो समझे, मैं पैसे देकर अपने घर में पानी लाकर ही रहूं। नहीं सासू माँ, ये गलत है, आप समझ क्यों नहीं रही है? और सासू माँ जरा धीरे बोलिए, अगर बच्चों ने सुन लिया ना तो। लेकिन बच्चे तो घर पे है ही नहीं। क्या? बच्चे घर पर नहीं है, कहाँ गए? दादी, दादी। बच्चों, ये क्या है? सच्चे अच्छे और ईमानदारी के रास्ते से लाया हुआ पानी। दूसरे मोहल्ले से हम हैंडपंप से खींच के लाए। क्योंकि हमें पता है पूरा मोहल्ला भले ही पैसे देकर पानी ले आए, और हमारे बड़े ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि नियम और कानून की राह पे चलते कोई भी परिस्थिति, कोई भी स्थान काम गलत कभी ना करते। हम ऐसे ही रहते। दादी, अब जैसी हो वैसी ही रहना, और कभी भी रिश्वत के पैसे मत देना। हम रोज हैंडपंप से खींच के पानी ले आएंगे, और बेईमानी के रास्ते पर कभी नहीं जाएंगे। हेलो हेलो, गौरी शंकर भैया। कौन बोल रहा है? मैं रामसराय मोहल्ले से कुंती देवी बोल रही हूँ। हम आपसे बात नहीं करना चाह रहे, बता दे रहे। अरे भैया, एक बार मिल तो लो। हम उस मोहल्ले में फिर से नहीं आएंगे अपनी पंजीयत कराने। तो मैं आ जाती हूँ। भैया आप हो कहाँ? ठीक है ठीक है, मैं आ जाती हूँ। चंचल, दादी उस पानी की लाइनमैन से मिलने क्यों जा रही है? शक्ति, मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। चल हम दादी का पीछा करते हैं। हाँ चल चल चल, चला जा। आ गई? हाँ? कैसे हो गौरी शंकर भैया? हम तो बेईमान है, यही कहा था ना आपने, बढ़िया कर दिया आपके अंदर, क्या बिगाड़ लिया हमारा? बिगड़ा तो हमारा ही है सब कुछ, पूरा मोहल्ला पानी के मजे ले रहा है और मेरे ही घर में सूखा पड़ा है। मेरी छोटी 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 पोतियाँ दूर से पानी खींच के लेकर आ रही है, जो मुझसे देखा नहीं जा रहा है। गौरी शंकर भैया, मोहल्ले की लाइन चालू कर दो ना। चालू तो हम कर देंगे, बस
आप हमारा काम करो, हम आपका करें, समझी आप? नगद पूरे 5,000 लगेंगे, है तो बोलो वरना चलो। नहीं नहीं नहीं, गौरी शंकर भैया ये लीजिए 2,000 ही लाए हैं, अब पानी चालू कर दीजिए, बाकी के पैसे घर में आके ले लेना, चलेगा? चलेगा चलेगा। अरे जब आपको ये पैसे देने दे तो मोहल्ले के सामने ईमानदारी का नाटक करने की क्या जरूरत? मोहल्ले के सामने नहीं, अपनी छोटी 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 पोतियों के सामने नाटक करना पड़ा। वो कहा है ना, मेरी एक बहू को बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाने का फितूर चढ़ गया है, बस उसी लिए नाटक करना पड़ा। बाकी सच बोलूं तो जब आप 2 बार आए थे ना, मैं तभी आपको पैसे देना चाहती थी, पर मेरी छोटी 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 मोतियाँ मुझ पर नजर रखे हुए थी, इसीलिए दे नहीं पाई। गौरी शंकर भैया, अब तो आपको पैसे मिल गए हैं तो मोहल्ले की लाइन चालू कर दीजिए, मोहल्ले में मेरी बहुत फजीहत हो चुकी है। अरे आप घर पहुंचिए, पानी भी पहुंच रहा होगा। हाँ लेकिन हम बाद में आ रहे हैं बाकी के 3,000 रुपए लेने। हाँ आ जाना आ जाना, मैं चलती हूँ। आ चलिए चलिए चलिए। चंचल हमारी दादी ऐसा करेगी, कभी सोचा ही नहीं था। हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ा के खुद तो अब हमें ये सब सिस्टर्स को बताना ही पड़ेगा। यस यस चल 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 चल। माजी 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 माजी, घर में पानी आ गया, माजी जादू हो गया। शुभ है, आखिरकार सत्य और ईमानदारी की जीत हुई। कोई सत्य और ईमानदारी की जीत नहीं हुई है प्रार्थना, सोच के देखो। उस लाइन मैन ने क्या कहा था, अगर उसे रिश्वत नहीं दी गई तो 1 हफ्ता लग जाएगा पाइप ठीक होने में। लेकिन आज तीसरे ही दिन हमारे घर में पानी कैसे आ गया? क्योंकि सासू माँ ने उस गौरी शंकर को रिश्वत दी है। हाँ दी है तो क्या करती, अपनी छोटी छोटी मासूम बच्चियों को हैंडपंप से पानी लाते हुए देखती रहती। अब तुम सब भी कान खोल के सुन लो, बच्चियां पानी लेने के लिए गई, उनके आते ही तुम सब भी यही कहोगी कि पानी अपने आप आया था। हमने कोई रिश्वत नहीं दी थी। यही ना दादी, यही कहोगी ना आप हमसे? क्यों किया दादी आपने ऐसा? मैंने बोलो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, पानी खुद ब खुद आया है। झूठ मत बोलिए दादी, हमने खुद अपनी आंखों से देखा था, आप उस पानी के लाइन मैन को पैसे दे रही थी। हाँ दादी, और आपने ये भी कहा था कि आप हमारे सामने पैसे नहीं देना चाहती हैं, इसीलिए ये सब कर रही हैं। क्यों किया दादी आपने ऐसा? दादी ने जो कुछ भी किया है आप सबके भले के लिए किया है बच्चों। लेकिन पापा, बस आप में से अब कोई कुछ भी नहीं बोले, ये बड़ों का काम है और बड़ों को करने दो। चलो आप लोग जाके वहां खड़े हो जाओ, जाओ। गौरी शंकर भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया उक्रिया बाद में, पहले हमारे बाकी के 3,000 रुपए निकालिए। भाई साहब पैसे भी देंगे, आप बैठिए तो सही। अरे बैठिए ना आप। अरे बैठना बाद में, पहले पैसे तो दीजिए। अरे पैसे मिल जाएंगे, आप बैठिए तो सही। आइए बैठिए। ये लीजिए पैसे, गिन लीजिए। अरे गिनना क्या है, पैसे कम हुए तो समझिए आपके नल का पानी कटा। अच्छा चलते जी। सर आप? हाँ मैं। थैंक यू कुंती देवी जी, थैंक यू कन्हैया जी। बहुत कंप्लेन था इसके खिलाफ लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था।
आज आप लोगों की वजह से ये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। अरे नहीं सर, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने इनको 3,000 रुपए उधार दिए थे, वो लेने आया हूँ सर, ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। अच्छा, हम फंसा रहे? हाँ। तो ठीक है, गौरी शंकर भैया जरा ये बताओ। ठीक है, पूरे 5,000 लगेंगे, है तो बोलो वरना चलो। गौरी शंकर भैया ये लो, 2,000 ही लाए हैं, आप पानी चालू कर दो, बाकी के 3,000 रुपए घर आके ले लेना, चलेगा? चलेगा चलेगा, हम आके ले लेंगे। बहुत बुरे फंसे हो तुम गौरी शंकर। अफजल साहब, हम आपको ये सबूत भिजवा देंगे ताकि गौरी भैया को जो ईमानदारी का अर्थ समझाना चाहते हैं ना, उसमें आपको सहायता मिले। अरेस्टिंग। अरे सर, हमने कुछ नहीं किया, झूठे हैं दोनों। यू आर अंडर अरेस्ट, पकड़ ले इसे। अरे सर, निकल जाओ। थैंक यू कुंती देवी जी। मतलब दादी, आप जो उनसे मिले, उन्हें पैसे दिए, वो सब झूठ था। सब इस बेईमान को फंसाने के लिए दादी और मेरा रचा हुआ एक नाटक। हाँ, जब मैं उस बेईमान आदमी से मिलने के लिए गई तो लल्ला दूर से खड़ा मोबाइल पे वीडियो बना रहा था। पूरा मोहल्ला पानी के मजे ले रहा है और मेरे ही घर में सूखा पड़ा है। मेरी छोटी 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 पोतियां दूर से पानी खींच के लेकर आ रही है। सासू माँ, आओ, आ जाती। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने वो आपको बहुत कुछ बोल दिया। Sorry. नहीं नहीं बहू, तेरे पढ़ाए ईमानदारी के पाठ से ना सिर्फ बच्चे बल्कि मुझे भी यकीन हो गया कि जीत हमेशा सत्य की होती है। तो क्या कहना है बच्चों? नियम कानून की राह पे चलते, कोई भी परिस्थिति, कोई भी स्थान, काम गलत कभी ना करते। हम बन जा रहे बहुत हो गया, परेशान हो गई हूँ मैं। कहाँ हूँ भैया? अपनी राधा को पूछ। ओ प्रेमा, और उसे बोल कि पैसे मोर पंख पर नहीं उगते। बच्चों को पढ़ाने के लिए किताबों का सेट लेकर आई, बड़ी किताब बड़ों के पढ़ने के लिए और छोटी किताब बच्चों के पढ़ने के लिए। हाँ तो किताबें तो अच्छी है ना भैया? 1,000 रुपए की 2 किताबें। प्रतिभा ने दोनों पढ़कर देखी है, किताबों का एक ही सार है कि बच्चों को अगर डरा कर परवरिश करोगे बच्चे तुमसे बातें छिपाने लगेंगे और बात ज्यादा बिगड़ जाएगी। अरे भैया, तो ये तो अच्छी बात है, करोड़ों की सीख 1,000 रुपए में मिल गई, क्या बुरा है? ऐसी लाखों की सीख ना मैं दिन भर मुफ्त में देती फिरती हूँ, उसके लिए 1,000 रुपए मुफ्त में उड़ाने की क्या जरूरत है? अरे मैया, अच्छा मैया तो फिर ये जग ही देख ले। हा? घर में इतने सारे जग हैं, लेकिन तू ये 1,200 रुपए का महंगा जग काहे लेके आई? कोई इसमें पानी अपने आप थोड़ी मिनरल वाटर बन जाता है। अरे ये कोई मामूली जग नहीं है, पूरे मोहल्ले में किसी के पास ऐसा जग नहीं है। वैसे प्याज बुझाने के कम और किट्टी पार्टी में औरतों को जलाने के ज्यादा काम आएगा, तो हुआ ना ये अनोखा जग। दादी, वाह, नया जग। अरे दादी दो। अरे छोड़ो, चंचल चंचल बेटा बेटा, बेटा बेटा बेटा, इसे आप रहने ही दो। वैसे भी कांच की और आपकी कुंडली मेल नहीं खाती है, इससे पहले भी आप 2 प्लेटें 4 ग्लास 3 कप और पता नहीं काका तोड़ चुके हो। दादी एक बार दिखाओ ना, प्लीज दादी, प्लीज प्लीज। महंगा है। चंचल बेटा, मना किया ना मैंने आपको? और हाँ,
कल ना घर की सफाई है, तो आप सारे बच्चे दुकान पे ही रहने वाले हो पूरा दिन। दुकान पे भी कोई शैतानी मत करना, और अगर कोई शैतानी की तो पता है ना मैं क्या करूँगा। नहीं पापा, कोई भी शरारत नहीं होगी, प्लीज आप हॉस्टल मत भेजना, प्लीज प्लीज प्लीज। काहे डांट दिया उसको? अरे मैया, डांटा कहाँ है, डरा रहा था उसे। लगता है प्रेमा की लाई हुई किताब के पैसे वसूल हो ही जाएंगे, तू ही पढ़ ले। का मतलब? अरे अभी तो बताया, भूल गया कि किताब में लिखा है कि बच्चों की परवरिश अगर डरा के करोगे तो बच्चे तुमसे बातें छुपाने लगेंगे और फिर ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। पढ़ ले। पता है प्रार्थना, मेरे तो अभी से हाथ पैर फूल रहे हैं। अरे कल पूरे घर की महासफाई जो करनी है, जो हर साल करते हैं। बापरे, यथार्थ प्रतिभा भगनी। और कल तो बच्चों को भी दुकान पर भेजना है, मतलब उनके भी बस्ते लगा कर देने पड़ेंगे। चंचल, आज कमाल, वाओ। अरे वाह, अब तक तो पुराना माल भी खत्म नहीं हुआ और आज और आ गया। हरिओम, पांच पांच चॉकलेट, इन्हें कहां से मिली? ये देख, ये शंभू। माँ, इनके पास तो चॉकलेट का ढेर है, ऐसा लग रहा है कि पूरा पेड़ है इनके पास और चॉकलेट तोड़ तोड़ के ला रहे हैं। अगर हम फूफा जी को ऐसी ब्लैकमेल करते रहे ना, तो एक महीने में हमारे पास साल भर की चॉकलेट इकट्ठा हो जाएंगे। ब्लैकमेल नंदू जी को? अपनी भी क्या किस्मत है ना, पूरे घर में सिर्फ हमें पता है कि दादी की चेन फूफा जी ने तोड़ी है। और अब दादी से बचने के लिए फूफा जी हमारा ऐसे ही मुंह बंद करते रहेंगे चॉकलेट से, मतलब हमारी तो ऐश ही ऐश। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, फूफा जी ने ऐसा क्यों कहा? आज आखिरी बार चॉकलेट वसूल कर लो, कल से सब बदल जाएगा। मतलब? अरे यही तो मुझे समझ नहीं आया, ऐसा क्या करने वाले हैं फूफा जी? छोड़ो ना, हम चॉकलेट खाते हैं। हाँ। चलो चलो। हाँ, चलो। चकिया तोड़ दिया? तोड़ा नहीं माँ जी, टूट गया। टूट गया? ए, नारियल फोड़ के इसका उद्घाटन कर रही थी का? इतना बढ़िया चकला मेरा, कपिल देव जब वर्ल्ड कप जीता था ना, तब लाई थी मैं इसे। पर माँ जी, अब तो धोनी को भी वर्ल्ड कप जीते हुए 8 साल हो गए, और कितना चलता? चुप कर, दुकान वाले ने कहा था। कुंती देवी, तुम्हारे पोते की बहुएं भी इसी चकले पर रोटियां बेला करेंगी। पोते नहीं माँ जी, पोतियाँ हैं सब। माफ करना माँ जी, वो कल बच्चे पूरा दिन दुकान में रहने वाले हैं ना, इसलिए उनके लिए नमकीन पूरियां और मठरी बना रही थी, वही बेलते बेलते टूट गया। अरे ओ लेडी सनी देओल, एक हफ्ते से चीजें ही तोड़ रही है, परसों स्टोर रूम में रखा लैंप तोड़ दिया और कल अचार का मर्दबान तोड़ दिया। दीदी का आशीर्वाद लेके ना, अब मेरा सर भी फोड़ दियो। मैया मैया, कोई बात नहीं मैया, चकला ही तो टूटा है। पंजीरी, ये जग लेते चाहिए। छोड़ दे, मुझे दे, तोड़ेगी कहाँ? पूरियां मठरियां बननी? हाँ माँ जी, बस आखिरी बेल रही थी, टूट गया। ये पकड़, कोई और काम कर। वैसे मैया, अब मुझे नहीं तुझे ही किताब पढ़ने की जरूरत है। क्या कर रही है तू? जैसे मैं बच्चों को डरा के अनुशासन सिखा रहा हूँ, तू भी वही कर रही है बहुओं को डरा के। यही तो लिखा है इसमें मैया, कि नहीं करना है। अब मान लो अगर सच में कुछ टूट गया ना, तो ये बिचारी तेरे डर से तुझे कुछ नहीं बताएंगी। इसमें भी यही लिखा है, डर से हुआ सीधा हमेशा टेढ़ा करता है। 500 तो मैंने वसूल लिए मैया, बाकी के 500 तू वसूल ले, पढ़ बैठ के।